अमरपाटन में एक दिव्यांग शिक्षिका ऐसी है जहां अपने पति की मृत्यु के बाद 2006 से वह लगातार कठिन परिस्थितियों को पीछे छोड़कर लड़कर आगे बढ़ रही है। साथ ही अपने दो बच्चों का पालन पोषण भी कर रही है और उन्हें शिक्षा दे रही है। तो वहीं अमरपाटन से 8 किलोमीटर दूर जाकर ग्राम खमरसेड़ा स्कूल में छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा प्रदान कर अच्छी सीख दे रही है। आज विश्व महिला दिवस पर यह शिक्षिका बिना पति और विकलांग होने के बावजूद लोगों को मुश्किलों से लड़ने और आगे बढ़ने का संदेश देते हुए नजर आ रही हैं। भारत में कुछ ऐसे भी महिला शिक्षक हैं जो अपने घरेलू जिम्मेदारी के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी बखूबी निर्वहन कर रही हैं। आज महिला दिवस पर हम आपको एक ऐसी ही शिक्षिका से मिलवाने जा रहे हैं जो एक शिक्षिका होने के साथ साथ एक माँ और बाप होने का फर्ज अदा कर रही है। सर मैं कर लेती हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। मैं टाइम से विद्यालय भी जा लेती हूँ, बाद में आके मैं अपने काम सिलाई भी करती हूँ सर, घर का सारा काम भी कर लेती हूँ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर, 1 14 साल का है, 11 साल का है। मैं सर कुछ कठिनाइयों को झेल के, कुछ परेशानियों को झेल के मैं अपने आप में खुद आत्मविश्वास बन के मैं कर लेती थी। अभी आप कौन कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हैं? अभी मैं सर 1 से 5 तक, अब मेरी विद्यालय एकीकृत हो गई है, शासकीय माध्यमिक वाला विद्यालय खमसेड़ा, मैं उसमें 1 से 8 तक में हो गई हूँ, लेकिन अभी 1 से 5 तक में पढ़ा रही हूँ। कि कभी कठिनाइयों से कभी न घबराएं, वो हमेशा कठिनाइयों को कर निर्वहन करें और आगे ही बढ़ें, ताकि हम लोग महिलाएं आगे बढ़ सकें कि अपनी परेशानियों को झेल लें।